हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिएगा, आप वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया। देखिए मकान है, उसको मकान का संख्या दे दिए 1 से 49 तक, ठीक है, पंक्ति के क्रमागत। जैसे देखिए इस टाइप का मेरा मकान है, ये मकान है, ये भी मकान है, इस टाइप का मकान है, कहाँ तक है, ये सब मकान है, समझ लीजिए, आइडिया लगाइए थोड़ा। 49 टोटल मकान कितना है, 49 ये मकान है मेरा। अब ये नहीं बोलेगा कि मकान हो गया, सिर्फ माने हम इस टाइप का मकान है, ठीक है। 1 से 49 तक अंकित किया गया, दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले, देखिए एक ऐसा मान है, 1 से 2, 1, 2, 3 इस तरह 4, 5 इस तरह करके 49 तक है, ठीक है। अब x ऐसा मान है, x एक ऐसा मान है, सपोज यहाँ पे जैसे x है, ठीक है, तो x का मान ऐसा है जो कि इधर योग करेंगे, x से इधर जितना योग करेंगे, योग कितना, x से इधर मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग, x से पहले अंकित मकानों के संख्या का योग, x से पहले जो संख्या है मेरा उसका योग, योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, इसके बाद वाला संख्या, इसके बाद वाला संख्या यानी x के बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा, इसका योग जो है, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है। x से पहले मकान वाला संख्या का योग, x क्या है मेरा मान ये पता नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले मकान के और यानी शुरू से लेकर उसके पहले वाले तक मकान संख्या का योग, और फिर लास्ट से उसके बाद वाले मकान के संख्या का योग कितना है, बराबर है आपस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या है क्वेश्चन में कि x से पहले हम इधर ले लिए, x से पहले मकान के संख्या का योग, पहले से प्रारंभ से x से पहले मकान के संख्या का योग जो है, उसके बाद फिर x से बाद वाले मकान के संख्या का कुल योग से बराबर है, ये बोल रहा है, उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, अगर हम इधर की बात करें, x से इधर की बात करें, तो इधर का योग मेरा क्या आएगा, देखिएगा s क्या आएगा, s अगर हम x तक लेते, x भी इंक्लूड कर देते, तो s x आता, s x आता, लेकिन हम बोल रहे हैं उससे पहले वाले तक का योग, कहां तक, उससे पहले वाले तक का योग, तो उससे एक माइनस कर देंगे, यानी s x माइनस 1, ये हो गया उससे पहले वाले तक का योग, ठीक है। अब देखिए किसके बराबर होगा, उसके बाद वाले से लास्ट तक का योग, उसके बाद वाले संख्या से लास्ट मकान तक का योग क्या होगा, बराबर होगा, तो इसके बाद वाला क्या होगा, तो देखिए इससे इधर x तक, इससे x तक शुरू से लेकर x तक, तो क्या होगा s x, ठीक है, और शुरू से लेकर 49 तक, तो क्या होगा s 49, अगर हम s 49 में s x को माइनस कर देंगे तो ये बाद वाला निकल जाएगा कि नहीं, x के बाद वाला, देखिए 1 से लेकर x तक का हम s x लिखे, s x ये माइनस हो गया किसमें, कुल में, तो x से बाद वाला सब निकल जाएगा, निकलेगा, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, तो s 49 माइनस s x, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि x से पहले वाला का योग निकाले क्या है, s x माइनस 1, फिर उसके बाद वाला कैसे निकाले, तो कैसे निकाले, देखिए x तक का कुल निकाल दिए, फिर x तक का निकाल के फिर 49 यानी टोटल में x तक का माइनस कर दिया, तो उसके बाद वाला का सबका निकल गया, ठीक है। तो बाद वाला किसके बराबर है, उसके पहले वाले योग के बराबर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुल कितना मकान है, 49। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए आप, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, ये एक नंबर क्वेश्चन है,
देखने में जो लगता है सब क्वेश्चन गजब। देखिए एपी मेरा क्या निकल के आएगा, एपी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके कहां तक, 49 तक, ठीक है। अब देखिए इसमें टर्म मेरा क्या क्या निकलेगा, ए निकलेगा प्रारंभिक यानी प्रथम पद, क्या है 1। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए 2 माइनस ए कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। लास्ट पद यानी टोटल टर्म एन का मान कितना 49, ठीक है एन कितना 49 टोटल। अब देखिए टोटल के लिए हुआ, अगर हम एस एक्स माइनस 1 पहले निकालें, एस एक्स माइनस 1 निकालेंगे तो एन एन का मान कितना, पहले एन लिखते हैं एस एन, एस एन इक्वल टू क्या एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक एक करके निकालेंगे, पहले एस एक्स माइनस 1 निकालेंगे, फिर एस 49 निकालेंगे, एस एक्स निकालेंगे, तब फिर सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एस एन एन की जगह कितना एक्स माइनस 1 यानी एक्स से पहले वाला पद का योग टोटल, तो एन की जगह भी क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 बटे 2, तो ए का मान 1 है, 1 प्लस एन का मान देखिए एन का मान क्या एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, तो यहाँ रख देंगे एक्स माइनस 1, ठीक है x माइनस 1। अब बाहर में माइनस 1 है तो बाहर में है तो उसको उसको भी लिख देते हैं माइनस 1, ठीक है तो x माइनस 1 क्या हो गया n का मान माइनस 1 बाहर में, तो माइनस 1 रह गया इंटू डी, तो d क्या है d भी 1 है। अब देखिए s x माइनस 1 क्या निकल के आ जाएगा x माइनस 1 बटे 2, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। अब देखिए क्या निकल के आएगा x माइनस 1 बटे 2, यहाँ से निकल के क्या आएगा 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 2, इतना निकल के आएगा। अब देखिए 2 2 कैंसिल, मेरा क्या हो गया x माइनस 1 इंटू में x बटे 2 इंटू में x है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू x x स्क्वायर, फिर x इंटू 1 कितना x इंटू 1 तो x बटे 2। अब ये जो निकल के आ गया क्या निकल के आया एस एक्स माइनस 1, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2, ये निकल के आया क्या एस एक्स माइनस 1। अब आगे हमको क्या निकालना है, अब एस 49 निकालना है तो उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मेन यही है, इसको ध्यान में रखिएगा तब फिर सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। ये सब भी मिटा देते हैं क्या कि डी और ये तो पता चल गया आपको। अब देखिए जब हम एस 49 यानी टोटल का सम निकालेंगे एक से लेकर 49 तक का सम, तो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये फॉर्मूला हम नहीं भी लगाएंगे चलेगा, कैसे चलेगा क्योंकि प्रथम पद और लास्ट पद हमको पता है, ठीक है तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं वही फॉर्मूला ए प्लस ए एन ए प्लस ए एन, ठीक है एस एन एस कितना 49 एन का मान 1, 2, 3 तो टोटल कितना पद होगा 49 पद होगा बटे 2 गुना ए प्रथम पद 1 प्लस लास्ट पद 49, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 49 बटे 2 इंटू 49 एक 50 25 बार में कट जाएगा तो 49 गुना 25 मल्टीप्लाई कर देते हैं 49 गुने में 25 45 4 20 4 24 12 25 हो गया, ठीक है तो S 49 निकल के आ गया क्या, हम लिख देते हैं साइड में 12 25 और ये क्या है S n माइनस 1, ठीक है S n माइनस 1। अब बच गया मेरा S x निकालने का, उसको भी निकाल लेते हैं तब फिर x का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए एस एक्स निकालना है अब हमको, आगे क्या काम है अब एस एक्स निकालने का, तो एस एक्स निकालेंगे क्या हो जाएगा, पहले n वाला फॉर्मूला लिख देते हैं एस एन इक्वल टू एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एस एक्स टर्म तक x बाय 2 एन का मान कितना x तो x बाय 2
2 इंटू ए का मान 1 प्लस n के जगह क्या ले लेंगे, x टर्म तक निकाल रहे हैं, माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए x बाय 2, x बटे 2 और फिर क्या 2 इंटू 1 2 प्लस डी का मान तो पता है ना, एक रख सकते हैं एक, तो ये सेम हो जाएगा, x माइनस 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, क्या कि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होगा। x बाय 2 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 1, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है x बाय 2 2 माइनस 1 तो 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1 2 माइनस 1 का मान कितना प्लस 1। अब देखिए x बटे 2 और ये गुना हो जाएगा इससे, x इंटू x एक्स स्क्वायर फिर प्लस x इंटू 1, तो x इतना निकल के आ गया किसका एस एक्स निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम मान रख देंगे, ध्यान से समझते जाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, वही रख देंगे उसको एस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स, एस एक्स एक्स माइनस 1 कितना, ये एक्स माइनस 1 था सॉरी, एक्स माइनस 1 कितना आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2, एस 49 कितना आ गया 12/25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2 यहाँ क्या आ जाएगा 2 एलसीएम, तो कुछ नहीं तो 1, 1 2 जा 2 तो 12, 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 50 इतना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 2 1 जा 2 तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स, ठीक है 2 2 कैंसिल बच गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इधर पहले से माइनस एक्स था प्लस एक्स हो गया कुछ नहीं, इधर क्या बचा 24 50। ठीक है एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 50, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या निकल के आ गया 24 50 बटे 2, कितना बार में 12/25, तो एक्स स्क्वायर निकल के आ गया 12/25, एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा अंडर रूट 12/25, तो एक्स का मान मेरा हो जाएगा प्लस माइनस 12/25 किसका होता है 35 का, प्लस माइनस 35। अब देखिए माइनस को तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि माइनस इसमें संख्या है, मकानों की संख्या को माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 35 सिर्फ हो जाएगा, यानी x का मान निकल के आ गया मेरा क्या 35, तो सिर्फ लेंगे क्या x इक्वल टू 35। ठीक है यानी 35 से पहले यही बोला था क्वेश्चन में कि x से पहले तक का योग, यानी 1 से लेकर 34 तक का योग, 35 से पहले कौन 34 तक का योग, 1 से लेकर 34 तक का जो योग होगा, ठीक है और फिर 35 के बाद कौन 36 से लेकर 49 तक का योग, ये आपस में क्या होगा बराबर होगा, इसका योग करेंगे और इसका योग करेंगे तो आपस में क्या होगा बराबर होगा, बीच में कौन है x, तो यही क्वेश्चन में गिवन था जो कि हम इसको सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 6, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है, फिगर हम बना दिए हैं, अब ये नहीं बोलिएगा कि इसमें 15 सीढ़ी है कि नहीं है, ठीक है अगर आपका मन 15 सीढ़ी बनाने का तो बना लीजिएगा, हम सिर्फ समझाने के तौर पर इसको बनाया है, ठीक है सिर्फ आपको इससे समझना है 15 सीढ़ियां बनी हुई है, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, प्रत्येक लंबाई कितना है 50 मीटर है, स्पेस 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, यानी ऊंचाई जो है प्रत्येक सीढ़ी का कितना है 1/4 मीटर और 1/2 मीटर का फैलाव है, यानी पैर रखने के लिए स्पेस जो है कितना है 1/2 मीटर। देखिए आकृति 5.8 को आपको दिख रहा होगा, इस चबूतरे को बनाने में लगे
कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए, कुल कंक्रीट इसमें कितना लगा है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले सीढ़ी का अगर बात करें, पहले सीढ़ी का बात करें तो उसमें कितना लगा है पहले उसको मेजर करेंगे, उसको पहले बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन, सभी का बोल रहा है ना, कुल का हाँ आयतन, पहले सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा। देखिए क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच, ये हो जाएगा। अब इसमें बताइए लंबाई यहां से यहां तक कितना है, 50, इधर 50 तो ये भी 50, चलिए 50 हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई कितना 1/2, और ऊंचाई, ये ऊंचाई हो जाएगा मेरा, ये हम पहले सीढ़ी का निकाल रहे हैं 1/4, ये ऊंचाई हो जाएगा 25 बार में 25/4 meters, ये क्या आ गया पहले सीढ़ी का आयतन कितना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो पहले सीढ़ी का आयतन निकल के आ गया 25/4 meters cubed, ठीक है, ये पहले सीढ़ी का आया। अगर हम दूसरे सीढ़ी का बात करें, दूसरे सीढ़ी में लगे, दूसरे सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन, तो देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, यानी दो बार में ही, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां कितना आया 25/4, तो इधर भी ये 25/4, तो 25/4 और 25/4 कितना बार, दो बार। देखिए यहां से यहां एक होगा, यहां से यहां दो होगा, नहीं दो धाप, यानी एक सीढ़ी के बराबर, यहां फिर डबल हो गया, यहां त्रिपल हो जाएगा, तो यानी क्या कर देंगे इसमें 2×25/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2×25/4, तो क्या हो जाएगा इस तरह 25×50/4, यानी तो आप इसको कटा भी सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 2×25/2, ये मीटर क्यूब आ गया किसका, दूसरे सीढ़ी का। अगर हम तीसरे सीढ़ी की बात करें, देखिए तीसरे सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन, अब किससे गुना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या 25/4, तो यहां तो नहीं कटेगा, 75/4 हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस टाइप में आपको पता चल गया होगा कि एपी मेरा क्या आ रहा है। तो देखिए पहला क्या आ गया 25/4, दूसरा क्या आ गया यानी सेकंड टर्म 25/2, तो इस टाइप में एपी क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे, तीन टर्म हम निकाल दिए, इस टाइप में एपी निकल जाएगा मेरा क्या, देखिए एपी पहला क्या आया था 25/4, दूसरा क्या आ गया 25/2, तीसरा क्या आया 75/3, इस तरह करके कितना सीढ़ी है बताइए, कितना सीढ़ी है 15 सीढ़ी है, तो 15 पदों तक, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे यानी एस 15 निकालेंगे, एस 15 का मतलब क्या होता है, देखिए पहले सीढ़ी का आयतन है 25/4, दूसरे सीढ़ी का इतना है, दूसरे सीढ़ी का इतना है, ठीक है। तो देखिए दूसरे सीढ़ी का इतना है, तीसरे सीढ़ी का इतना है, अगर हम कुल की बात करें, पहले सीढ़ी का इतना आया 25/4, दूसरे सीढ़ी का यहां से यहां 25/2, तीसरे सीढ़ी का यहां से यहां आया 75/4 कितना आया 4, ठीक है 75/4 आया है, यहां 4 हो जाएगा 75/4। अगर हम कुल की बात करें तो सब ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या एस एन, एस एन कितना 15 सीढ़ी है, तो 15वां पद, तो हमको चाहिए क्या, देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है 25/4, और क्या दिया हुआ है, डी निकाल लेते हैं, डी क्या होता है a2 - a, कितना हो जाएगा 25/2 - 25/4,
चार, चार पचास घटाओ पच्चीस, तो यहां से निकल के आ गया 25/4, ये क्या आ गया डी। ठीक है, अब देखिए एन भी दिया हुआ है कितना 15 सीढ़ी है, तो 15 पदों तक, तो एन कितना हो जाएगा 15। अब हमको चाहिए क्या, एस 15 का मान चाहिए। ठीक है, एस 15 मतलब कुल लगे कंक्रीट का आयतन। देखिए आगे लिख देंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, सीढ़ियां में लगे कुल कंक्रीट का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एस कितना 15वां पद, एस 15 बराबर वाट, एस 15 अब मान निकाल लेते हैं, एस 15 क्या आ जाएगा देखते हैं, एस एन क्या होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन एस कितना 15वां पद, 15 तक पदों तक का योग, एन 15/2, टू ए ए का मान कितना 25/4, प्लस यहां से कितना हो जाएगा एन का मान 15/2 माइनस वन, 15 सिर्फ 15/2 का आया होगा, एन का मान तो 15 माइनस वन इंटू डी, डी कितना 25/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 15/2 यहां से 2 2 4, 25/2 हो गया यहाँ पे, प्लस 15 में 1 माइनस, 15 में 1 माइनस हो गया 14, 14 गुनी 25 कर देते हैं, यानी देखिए 14 गुनी 25/4, इसका आधा 7, इसका आधा 2। ठीक है, अब देखिए 15/2 क्या हो गया 25/2, इधर 25/2 प्लस 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1/75/2, 1/75/2। अब देखिए क्या आ जाएगा, 15/2 यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, 25 प्लस 1/75, 15/2 गुनी 200/2। ठीक है, इतना हो जाएगा, कटाएंगे 100 बार में, फिर कटेगा 50, यानी क्या हो गया 15 गुना 50, तो 15 गुना 50 कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, 15 5 75 और फिर 1 0, 750, 750 क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, तो कुल कितना लगा इसमें, कुल कंक्रीट का आयतन निकल के आ गया कितना 750 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, एस 15 का मान निकाल लेना है सही से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं आगे, देखिए आगे आपको लिख देना है इसमें, कुल कंक्रीट या फिर कुल लगे, ये बोल रहा था ना, कुल आयतन ज्ञात कीजिए, लगे कंक्रीट का कुल आयतन, तो कुल आयतन लिख देते हैं सिर्फ, कुल आयतन बराबर कितना 750 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हम इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयतन वॉल्यूम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज के सवालों में यानी एक्सरसाइज 5.4 के सवालों में इतना ही क्वेश्चन था, हम टोटल सॉल्व कर दिए हैं, चैप्टर 5 भी टोटल कंप्लीट हो गया है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।